5 लाख रुपए तक की टैक्सेबल इनकम को टैक्स फ्री करने का काम आपके इस चौकीदार ने किया है। यह कांग्रेस के बस का काम नहीं था जी। कांग्रेस के नेता तो कहते थे 1 रुपया निकलता है 85 पैसे जाता है। ये कांग्रेस का पंजा है जो 1 रुपये में से 85 पैसे हड़प लेता है, और इसलिए पाई पाई के हिसाब वाला गणित उसको समझ नहीं आता है। साथियों, मिडिल क्लास से कांग्रेस की विशेष दुश्मनी है, इसलिए जब कांग्रेस आती है महंगाई लेकर के आती है। याद कीजिए 2014 का चुनाव, क्या खबरें रहती थी, भाषण क्या रहते थे, हर पॉलिटिकल पार्टी महंगाई 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 बोलते थे कि नहीं बोलती थी। उस समय याद कीजिए 200 रुपये किलो तक दाल खाने को मध्यम वर्ग मजबूर हुआ था, प्याज और टमाटर 100 रुपये किलो तक पहुंच, ऐसा किसान को नहीं मिलता था, इनके चेले चपाटों को, इनके बिचौलियों को मिलता था। भाइयों बहनों, हमने ट्रांसफर स्कीम शुरू की है डीबीटी, कांग्रेस भी डीबीटी चलाती थी, हमारी डीबीटी है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, उनका मतलब है डायरेक्ट बिचौलिया। कांग्रेस के 10% की महंगाई अपने कम करते करते 4% से भाइयों, अगर कांग्रेस के जमाने वाली महंगाई वैसी ही चलती ना, आज मध्यम वर्ग के परिवार की थाली का बजट बिगड़ जाता, किचन का बजट बिगड़ जाता। इतना ही नहीं, पीएम योजना के तहत पहली बार मिडिल क्लास के लिए छूट दी। कांग्रेस ने यह सोचा नहीं था, आज मिडिल क्लास को होम लोन पर 5 से 6 लाख रुपए की बचत हो रही है। एजुकेशन लोन पर पहले जो ब्याज लगभग 15% था, वो आज हमने कम करके 11 पर ले आए हैं। इतना ही, दवाइयां सस्ती की गई, हार्ट और नी सर्जरी 70-80% तक सस्ते हुए हैं, और इसके लिए मैं मेरे मित्र अनंत कुमार को भी बधाई दूंगा, क्रेडिट दूंगा, वो पूरी लगन से इस काम को मेरे मंत्रिपरिषद में कर रहे थे। यानी स्वास्थ्य पर होने वाला खर्च बहुत कम हुआ है। साथियों, देश का ईमानदार करदाता पढ़ाई के बेहतर संस्थान चाहता है, उचित मूल्य पर घर चाहता है, अच्छी सड़कें चाहता है, ट्रांसपोर्ट की बेहतर सुविधाएं चाहता है, आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर चाहता है। बीते 5.5 वर्षों में इस काम पर हमने बल दिया है, गति लाए हैं। हम बहुत ईमानदारी से अपने प्रयास कर रहे हैं, लेकिन यहां कर्नाटका में क्या चल रहा है ये भी आप देख रहे हैं। एक तो यहां सीएम कौन है इस पर भी भ्रम है, अलग रिमोट कंट्रोल वाले सीएम अलग, पहले 10% था, अब वो 20% 30% हो चुका। इस वाले इनसे जवाब मांगते हैं, यहां नागरिक मुझे बता, इनकम टैक्स वाला आपके यहां आएगा, आप उसको अपनी सारी दिखाएंगे कि नहीं दिखाएंगे, कानून का पालन करेंगे कि नहीं करेंगे, क्या कोई बड़ा आदमी हो गया तो उसको सामान्य नागरिक से अलग हक मिल जाता है क्या? अरे मोदी ने लाली हटाई है, आ जाओ,
कानून का पालन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? क्या प्रधानमंत्री ने भी कानून का पालन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? मुख्यमंत्री ने करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? इनके मंत्रिपरिषद ने करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? आजकल आपको याद होगा, मैं जब गुजरात में था तो सुप्रीम कोर्ट ने एक एसआईटी बनाई थी और समन किया, 9 घंटे तक पुलिस मेरा ग्रिलिंग करती रही, मुझे सवाल पूछती रही। मैं मुख्यमंत्री हुआ तो क्या हुआ, मैं देश का नागरिक हूं, मुझे कानून का पालन करना चाहिए। और मैं मामूली पुलिस वालों के सामने बैठ करके हर सवाल का जवाब दे रहा था। अगर कोई गुनाह नहीं किया, कोई पाप नहीं किया, तो डरने की जरूरत क्या है? भाइयों बहनों, जब ये इनकम टैक्स के ऑफिसर गए तो ये लोग उनके खिलाफ धमकी देने और खुद मोर्चा निकाल दिया। मुझे बताइए, अगर चोरी नहीं की है तो ये दौड़ धूप करने की जरूरत क्या है भाई? और मेरे देशवासियों, मैं ये 2014 में आपको प्रॉमिस करके आया हूं, मैं चौकीदार के नाते काम करता रहूंगा। और जिसने देश को लूटा है उसको लौटाना ही पड़ेगा। और आज भी जो लूटने की हिम्मत करते हैं उनको भी हिसाब लेकर रहूंगा मैं। हमें और आपको मिलकर कर्नाटका को इसी स्थिति से निकालना ही होगा। यहां से जितने ज्यादा बीजेपी सांसद चुने जाएंगे उतना ही यहां की ये महामिलावटी सरकार, उसको जरा लाइन पर आना पड़ेगा। आप चाहते हैं ना यहां कर्नाटका ठीक चले, चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं? लूट चोरी बंद हो, चाहते कि नहीं चाहते हैं? इसके लिए आपने मुझे मजबूत करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? मेरी ताकत बढ़ानी चाहिए कि नहीं बढ़ानी? मेरी ताकत बढ़ानी, कर्नाटका के एमपी की ताकत बीजेपी को बढ़ानी चाहिए कि नहीं? बढ़ाएंगे, पक्का बढ़ाएंगे। के बेंगलुरु